कर्नाटक में हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद कर्नाटक से होते हुए केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक पहुंच गया। इसकी आंच उत्तर प्रदेश तक भी पहुंची, लेकिन वैसी नहीं जैसी कर्नाटक समेत देश के दूसरे राज्यों में। यूपी के आम लोगों पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन यूपी चुनाव में शिरकत कर रहे नेताओं ने इस विवाद को इतना तूल दिया कि साफ साफ दिखने लगा कि मामला भले ही कर्नाटक का है, लेकिन इसे यूपी चुनाव के मद्देनजर जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है। तभी तो क्या बीजेपी, क्या सपा, क्या कांग्रेस और क्या बीएसपी सबने बयानबाजी में कोई कमी नहीं रखी और रही सही कसर पूरी कर दी एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने, जिसकी वजह से यह विवाद कर्नाटक का न होकर उत्तर प्रदेश और चुनाव पर केंद्रित हो गया। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। अपने पिछले वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था कि जब बात चुनावी मुद्दों की होनी चाहिए थी तो उसमें कर्नाटक से निकले हिजाब विवाद ने मुद्दों को ही बदल दिया और सब लोग जय श्री राम बनाम अल्लाह अकबर के बीच बट गए। यूपी में चुनाव लड़ने उतरी पार्टियों ने भी इसे मौके के तौर पर लिया और इतनी बयानबाजी की कि बनती बात बिगड़ने लगी। जरा नेताओं के बयानों पर गौर फरमाइए और सबसे पहले गौर फरमाइए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के ट्वीट और उनके बयान पर। कर्नाटक का विवाद शुरू हुआ तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया कि चाहे वह बिकनी हो, घूंघट हो, जींस हो या हिजाब, यह तय करना एक महिला का अधिकार है कि वह क्या पहनना चाहती है। यह अधिकार महिलाओं को भारतीय संविधान ने दिया है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो। वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वो साड़ी पहनना चाहे, वो जींस पहनना चाहे, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। लेकिन हिजाब पर बयानबाजी तभी शुरू हो गई थी जब प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था। प्रियंका गांधी के ट्वीट का जवाब कर्नाटक या किसी दूसरे प्रदेश से नहीं आया जहां का यह मुद्दा था। ये जवाब आया उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ओर से। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी प्रियंका गांधी का जवाब देते हुए कहा था कि कौन है जो बिकनी पहनकर स्कूल कॉलेज जाता है, कोई कुछ भी पहने लेकिन स्कूल कॉलेज में तो यूनिफॉर्म होती है ना। कुछ लोग चुनावों के समय अलग अलग प्रयोग करते हैं, वातावरण खराब करने का काम करते हैं, जो मुद्दे नहीं होते उनको मुद्दे बनाने का काम करते हैं। आखिरकार देश भर के स्कूलों में, कॉलेजेस में यूनिफॉर्म होती है, तो जहां पर जो रूल है वो रहना चाहिए। लेकिन इस बात को और लंबा खींचते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने तो यहां तक कहा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब इस देश के वजीर आजम की कुर्सी पर हिजाब पहने एक महिला बैठी होगी। और एक दिन याद रखना तुम कान की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बने। बस ओवैसी का इतना कहना भर था कि ओवैसी के इस बयान के बहाने गजवाए हिंद की बात शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कह दिया कि गजवाए हिंद नहीं चलेगा। ओवैसी कहते हैं मेरी मर्जी जो मैं पहन के जाऊं। अरे भाई, आपकी मर्जी आपके घर में है। आज हिजाब लगा के जाएंगे, कल कहेंगे कि हम यहां पर, कोई दूसरा पक्ष कहेगा या दूसरे लड़के कहेंगे, ये लोग जान बूझ करके पूरे देश में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की एंट्री हो गई आज, इसीलिए देश में जरूरत है एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड होनी चाहिए। ये देश एक है, कानून भी अब एक होनी चाहिए। और पूरा विवाद ही लगता है कि यूपी चुनाव के मद्देनजर खड़ा किया गया था, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी तो बोलना ही था। उन्होंने भी कहा कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि गजवाए हिंद का सपना कयामत तक भी पूरा नहीं होगा। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूँ, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। रही बात यूपी चुनाव में कम चर्चित होने वाली मायावती की, तो उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनने का मामला अति गंभीर व अति संवेदनशील है, इसकी आड़ में राजनीति और हिंसा अनुचित है। और रही बात अखिलेश यादव की, जो इस चुनाव में बीजेपी को सबसे कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने इस मसले पर चुप्पी साध रखी है। बिना इस मुद्दे को उछाले उन्होंने वैलेंटाइन डे पर एक ट्वीट किया है और लिखा है
कि ऊपर वाला उन अक्ल के अकेलों को बेइंतहा मोहब्बत दे जिन्होंने दिलो दिमाग में नफरतों से भर ली तन्हाई है। लेकिन सवाल तो अपनी जगह पर बना हुआ है कि क्या हिजाब विवाद का उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो असर पड़ा है जिसके लिए ये विवाद खड़ा किया गया था। जमीन पर देखने पर तो ऐसा नजर नहीं आता है, लेकिन जैसे ही अपने सियासी रहनुमाओं की बात आप सुनते हैं लगता है कि यही इकलौता मुद्दा है जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाना है। हालांकि इसका असर कितना होगा और कैसा होगा, क्या इस मुद्दे के जरिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश रंग ला पाएगी, ये पता चलेगा 10 मार्च को। तब तक इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट।